इक्वेलिटी ऑफ एंटीना इंपीडेंस, ये एप्लीकेशन फोर्थ एप्लीकेशन है रेसिप्रोसिटी थ्योरम की, जो कि लास्ट एप्लीकेशन है। तो ये क्या है, इक्वेलिटी ऑफ एंटीना इंपीडेंस। इसमें क्या है कि जैसे हम जानते हैं जो एंटीना का इंपीडेंस होता है वो ग्राउंड से थोड़ा दूर होता है, तो जो ट्रांसमिटिंग होगा और रिसीविंग होगा दोनों में। तो इसमें क्या है कि जब भी ट्रांसमिटिंग होती है, ट्रांसमिशन होती है, तो सिर्फ एक ही पॉइंट यानी कि एंटीना लेंथ जो का एक ही पॉइंट जो होता है वो एक्साइटेड होता है, सिर्फ ट्रांसमिशन हो रही है, रिसीव नहीं हो रही है उस टाइम पे। लेकिन जब रिसेप्शन होती है, रिसीविंग होती है, तो जो पूरी लेंथ होती है एंटीना की वो एक्साइट हो जाती है। जो करंट डिस्ट्रीब्यूशन होता है ट्रांसमिशन और रिसीवर में, रिसीविंग में, वो हमेशा सेम नहीं होता। इसमें क्या होता है कि जो रिसीविंग एंटीना है वो जब एक्साइट होता है वो डिपेंड होता है कि जो वेव आ रही है वो कौन से डायरेक्शन से आ रही है, इस पे डिपेंड करता है। तो इसमें क्या है कि हम दो एंटीना लेंगे, एक एंटीना नंबर वन है, सेकंड है एंटीना नंबर टू। दो एंटीना है, एंटीना नंबर वन एंड एंटीना नंबर टू। इसमें क्या किया है कि अगर हमने जो नंबर टू एंटीना है, यानी कि मान लीजिए कि ये दोनों एंटीना, नंबर वन एंटीना, नंबर टू एंटीना, दोनों एक दूसरे से एक डिस्टेंस पे है, एक प्रॉपर डिस्टेंस पे है, ज्यादा डिस्टेंस पे है या वाइड डिस्टेंस पे है, जो सेपरेट है एक दूसरे से, और नंबर वन और टू दोनों क्या है, अलग अलग है, तो उस टाइम पे इन दोनों का जो म्यूचुअल इंपीडेंस है वो नहीं होगा। जो म्यूचुअल इंपीडेंस है दोनों एंटीना का वो नेग्लेक्ट हो जाएगा। अगर एंटीना नंबर वन को हमने एज अ ट्रांसमीटर यूज किया है, मान लीजिए एंटीना नंबर वन एज अ ट्रांसमीटर यूज हो रहा है, तो उस टाइम पे एंटीना नंबर वन का सिर्फ सेल्फ इंपीडेंस रहेगा, म्यूचुअल इंपीडेंस नहीं रहेगा, वो ट्रांसमिट कर रहा है। तो सर्किट थ्योरी के अकॉर्डिंग जैसे कि हमने किया था, E1 is equal to Z11, I1 plus Z12, I2 के इक्वल है, ये हमने किया था अपने लास्ट टॉपिक में, ये जो हमारा सर्किट थ्योरी इंपीडेंस जो हमने ये हमने पहले कर चुके हैं, ये हमने वहीं से लिया है। तो क्या है यहाँ पे, जो हमने वोल्टेज और करंट रिलेशनशिप किया था तब हमने किया था। तो यहाँ पे इसमें देखिए कि म्यूचुअल इंपीडेंस ट्रांसमिशन है, तो सेल्फ इंपीडेंस है सिर्फ एंटीना वन का, म्यूचुअल इंपीडेंस कोई नहीं है, तो म्यूचुअल इंपीडेंस यानी कि Z12 वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, Z12 जीरो हो जाएगा। अगर ये तो सारा जीरो, तो यहाँ पे Z11 किसके इक्वल टू आया, Z11 इज इक्वल टू E1 अपॉन I1 के इक्वल। ये क्या है, ये है सेल्फ इंपीडेंस एंटीना नंबर वन। अब यहां पे देखिए, अगर एंटीना नंबर वन, जो एंटीना नंबर वन है वो एज अ रिसीवर वर्क करने लग जाए, रिसीव करने लग जाए, तो रिसेप्शन जब वो रिसीव करेगा ना तो वो म्यूचुअल इंपीडेंस बनाएगा। जब वो ट्रांसमिट कर रहा है तो उसका सिर्फ सेल्फ इंपीडेंस रहेगा, लेकिन अगर जब वो रिसीव करेगा तो म्यूचुअल इंपीडेंस रहेगा, यानी कि Z12 जिसे हमने ट्रांसमिशन के ड्यूरेशन में जीरो कर दिया था वो रहेगा दोनों एंटीना के बीच में, जैसे कि मैंने डेफिनेशन में भी बताया था इसकी, जब हमने इसकी इंट्रोडक्शन की थी इसी टॉपिक में, स्टार्टिंग में बताया था। तो क्योंकि उस टाइम पे कपलिंग हो जाती है, और जब क्योंकि ट्रांसमीटर ट्रांसमिट कर रहा है, रिसीवर रिसीव कर रहा है, तो कपलिंग हो जाती है, कपलिंग हो जाती है तो म्यूचुअल इंपीडेंस आ जाता है, सेल्फ इंपीडेंस नहीं रहेगा अलग अलग एंटीना का। तो जो म्यूचुअल इंपीडेंस क्या होगा, Z12 होगा दोनों एंटीनास के बीच में, ये है Z12। तो यहाँ पे ZL जो कि लोड इंपीडेंस है। तो इसमें क्या है कि अगर हमारा जो एंटीना नंबर वन है उसमें जो लोड है वो ZL है, तो Z12 I2, यहाँ पे जो करंट है वो I1 फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए Z12 I2 ये क्या है, वोल्टेज सोर्स जनरेटर है, ये क्या है, वोल्टेज सोर्स जनरेटर है, Z12 I2 इसकी तरह एक्ट करेगा सोर्स की तरह। अगर हमने एंटीना नंबर टू को दूर कर दिया एंटीना नंबर
वन से, यानी कि एंटीना नंबर टू अगर दूर है, एंटीना दो कंडीशन आएगी, शॉर्ट सर्किट कंडीशन आती है इसमें, ओपन सर्किट कंडीशन आती है, जब ओपन होता है शॉर्ट होता है, ये हम करेंगे। देखिए जब हमने एंटीना नंबर टू को दूर कर दिया एंटीना नंबर वन से, तो जो जेड एल है, यानी कि जेड एल, ये इसमें जेड एल में कोई भी चेंज नहीं आएगा करंट आई टू की वजह से। जो वोल्टेज सोर्स है वो क्या है, जेड वन टू आई टू, ये क्या है, एक्ट करेगा आइडियल जीरो इंपीडेंस की तरह और कांस्टेंट वोल्टेज जनरेटर की तरह। तो इसमें जो रिसीविंग इंपीडेंस है, और अगर हमारा दोनों एंटीना सेम है रिसीविंग ट्रांसमिटिंग, तो जो रिसीविंग एंटीना इंपीडेंस है और ट्रांसमिटिंग इंपीडेंस है वो इक्वल रहेगा, यानी जैसा एंटीना नंबर वन का रहेगा वैसा ही। और जो टर्मिनल है उसमें जो वोल्टेज हमारा जनरेटर है उसमें इंटरनल इंपीडेंस क्या है, Z11। इंटरनल इंपीडेंस क्या है इसमें, Z11। तो इस कंडीशन में E is equal to Z11 I1 plus Z12 I2। तो क्या हुआ यहां पे, क्या किया, I1 जीरो रहेगा। I1 कब जीरो रहेगा, अगर ओपन कंडीशन है, ओपन कंडीशन यानी कि अगर सर्किट रिसीविंग सर्किट ओपन कंडीशन है तो I1 जो यहां से जा रहा था वो जीरो रहेगा। अगर ये जीरो है तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो E और C किसके इक्वल टू आएगा, Z12 I2 के। सेम ऐसे ही दूसरी कंडीशन शॉर्ट सर्किट के केस के लिए E is equal to Z11 I1 plus Z12 I2, यही शॉर्ट सर्किट के लिए E क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट कंडीशन में जो आउटपुट वोल्टेज होगी E is equal to जीरो हो जाएगी, और जो I1 होगा, I1 करंट किसके इक्वल टू आएगा शॉर्ट सर्किट कंडीशन में, ISC के, जो यहां दिखाया गया है, किसके इक्वल होगा, I1 ISC के, और जो आउटपुट वोल्टेज होगी वो जीरो हो जाएगी। तो ISC किसके इक्वल टू आएगा, माइनस Z12 I2 अपॉन Z11 के इक्वल। तो ये हमारा इक्वालिटी होती है एंटीना इंपीडेंस की, जो कि Z12 I2 ये क्या है, वोल्टेज सोर्स, और Z11 क्या है, Z11 जो कि इंटरनल इंपीडेंस है, उनकी रेशियो ये शॉर्ट सर्किट करंट की को शो करेगी, यानी ISC is equal to minus Z12 I2 upon Z11 के इक्वल रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ज्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।